आज हम सभी सारे संवर्ग के लोग, इसमें महिला पुरुष, चिकित्सक, नर्सेस, फार्मासिस्ट, सारे संवर्ग देशव्यापी हड़ताल में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं IMA के आह्वान पर, और हमारे प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ का हम सब यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये अपराध बहुत जघन्य है, ये केवल इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो डॉक्टर थी। अभी दो दिन पहले की घटना है कि एक नर्स के साथ भी एक बहुत ही ऐसी ही घटना उधम सिंह नगर में हमारे अपने उत्तराखंड में घटी। तो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाओं का बढ़ रही है, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसमें भी विचार होना चाहिए कि क्यों, क्या ऐसा है कि भाई चिकित्सा क्षेत्र एक सॉफ्ट टारगेट है, यहाँ पर महिलाओं की बाहुल्यता है और ये केवल अकेलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी में महिलाएं शामिल रहती हैं, रात्रि की सेवाओं में भी महिलाएं शामिल रहती हैं, वो अपने घर परिवार सब कुछ स्टेक पे रख के यहाँ ड्यूटी करने आती हैं, लोगों को चिकित्सा लाभ देने के लिए आती हैं। तो ऐसी दृष्टि में ये जरूरी है, ऐसे जरूरी है कि भाई वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ हो, सेफ होंगी तो सब बेहतर से बेहतर उपचार दे पाएंगी। जो मरीज आ रहे हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, वो पहले से ही थोड़े से परेशान होते हैं। तो अस्पतालों में अक्सर ऐसा माहौल रहता है कि भाई लड़ाई झगड़ों की स्थिति बनी रहती है, लेकिन उनमें महिलाओं की बाहुल्यता ज्यादा होती है पेशेंट को डील करने के लिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, कोलकाता रेप दोषियों को फांसी होनी ही चाहिए, और ऐसी किसी भी घटना जो भी होती है वो फास्ट ट्रैक पे जानी ही चाहिए, और सब ऐसी कि हर घटना में एक नियम बन जाना चाहिए कि भाई इसको डिले ना करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले पूर्व में बना हुआ है उसकी सख्ती से सख्ती लागू होना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.